आजमगढ़ में मुख्तार गैंग के गुर्गे की स्कॉर्पियो जब्त। गैंगस्टर मामले में जिले की पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी सुधीर सिंह बोले, लगातार चलता रहेगा अभियान। आजमगढ़ जिले में लगातार मुख्तार गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुख्तार के गुर्गे श्याम बाबू पासी की पत्नी के नाम दर्ज स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत लगातार संपत्ति जब्त की जा रही है, जिसे जिले के तरवा थाना क्षेत्र में दर्ज मुख्तार गिरोह के खिलाफ मामले में श्याम बाबू पासी भी शामिल था और इस समय जेल में है। पत्नी के नाम पर खरीदी थी गाड़ी। एसपी सुधीर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर ने स्कॉर्पियो गाड़ी अपनी पत्नी सावित्री के नाम खरीदी थी। कल ही आजमगढ़ जिले के मुख्तार गिरोह के अर्जुन कन्नौजिया की संपत्ति जब्त की थी। एसपी का कहना है कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इसके साथ ही जिले में मुख्तार की संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डीजी ने दिया कार्रवाई का निर्देश। 27 अगस्त को आजमगढ़ जिले में अपराध की समीक्षा करने आए वाराणसी रेंज के एडीजी बिजभूषण शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। एडीजी ने अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए बताया था कि जिले के अपराधी ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लगातार आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनका सीजर करने के, जो चल अचल संपत्ति है उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत की धाराओं के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में श्याम बाबू पासी, जो कि उस गैंग का एक सक्रिय मेंबर है, उसकी एक स्कॉर्पियो जो कि उसने इस अवैध क्राइम से जो अर्जित संपत्ति है उससे खरीदी थी, उसको जब्त किया गया है और उसके सीजर की कार्रवाई 14 के अंतर्गत कराई जा रही है।